सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अमृत यादव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे सौरभ जोशी की वीडियो, क्योंकि ये लोग ना दिन भर देखते रहते हैं सौरभ जोशी की वीडियो, है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या पसंद है? परी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सौरभ जोशी की वीडियो में कुनाली और ओरियो, दोनों ही बहुत क्यूट है। कुनाली ओरियो और भैया पीयूष, तुम्हें पीयूष इसको पीयूष पसंद है? क्यों पसंद है? क्योंकि दोनों के नाम भी सेम है और वो जो करता है ना बदमाशी, ये भी वैसे ही करता है। गेट पे खड़े हो जाना इसकी भी हरकतें हाँ, ऐसी हैं। और इस हमारे हमारे यहाँ भी एक पला हुआ है कुत्ता, है ना, उसका नाम है जिम्मी, उसके साथ ये खेलता रहता है। तो इन लोगों की ना एक सी हरकतें, इसलिए इसको पसंद है। दिन भर ये लोग देखते रहते हैं। और ओरियो और जिम्मी की हरकतें भी मैच होती है। ओरियो भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है और फिर मनाने आता है हम लोगों के साथ। हम लोगों की जिम्मी भी ऐसी करती है, गुस्सा हो जाती है और फिर मनाने आ जाती है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इनके वीडियो देखे, है ना, ये लोग आके देखते क्यों, है ना। मैं बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ, तो आज मैं इसी वीडियो पे देखूंगा और इन लोगों को भी दिखाऊंगा। ये लोग बहुत देखते हैं कि क्या अच्छा लगता है ना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा ही अभी का है, 2 जनवरी का छोटा भाई है, पता है, दरवाजे में चाचा है ना, इनकी लड़का है। तो ये सौरभ जोशी की मम्मी, ये ओरियो, पैर थोड़ा ना खराब हो रहे थे मेरे, ओरियो को भी नहला दिया नहला दिया साथ में आया था। और पीयूष वहाँ पढ़ाई कर रहा है, काट लिया। किसको काटा वे? सौरभ जोशी, सौरभ जोशी। अरे तो काटता है यार, क्या हुआ, मैंने क्या करा इसका? देखने में ये कितना इनोसेंट है। मैंने क्या कराया था? उसने एकदम त्रिये में उंगली काट ली। क्या हो गया इसको? अपने कपड़ों में बाल ही बाल, देखो पूरे बाल। तो अब साफ करेगी हमें। तो अब गाइस खाना खाते हैं मटर वाले चावल। तो खाना फिनिश करने के बाद भी अपन को ये अच्छे लगते हैं ना। गेट प्लग ऐसे ये करता है, फिर भी ऐसे करता है, ये ऐसे करता है अपने गेट पे लटकता है। जिनके दादाजी, जो पापा, ये छोटा भाई। गाइस आजकल दादाजी की तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही है, दादाजी को हॉस्पिटल लेके थे आज, अभी फिलहाल दवाई खा रहे हैं। सबकी तबीयत खराब हो रही है, मौसम बदल रहा है ना। तो अभी गाइस ये देखो ओरियो के लिए पास क्या चीज है। अच्छा जी, इसको पहना है जी, डॉग्स को ना, डॉग के लिए पहना है ये फ्रोजन कार्ट में है ड्रेस, इसे डॉग्स की ड्रेस कहते हैं। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा था इसमें? देखो काट रहा है ऐसे ही सही है, बिना कपड़े के, बिना कपड़े के, हाँ ऐसे ही सही है, ऐसे क्यूट लगता है। तो कपड़े पहना दे, तो गुस्सा है, गुस्सा है यार। एक टांग अंदर है, मेरी टांग गाइस, ये बहुत प्यारी कॉस्ट्यूम है, मजा आएगा। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यार, क्या भाई। तो गाइस अब देखो चाकू भी है, ऐसा लग रहा है इसके हाथ में चाकू है, देखो यहाँ पे हाथ में चाकू है, दो पैर ये, अपने मालिक को मारेगा क्या, सबसे बड़े मालिक। वो इसके तो 6 हाथ पैर हो गए अब ओरियो के, दो पैर पे चल रहा है। तो गाइस पेश है आपके सामने दो पैर पे, क्या है यहाँ पे चाकू वाकू लगा है, ड्रेस पर चाकू वाकू में फ्रंट है, बंदा बन है बस, है ना। ओ चाकू भी निकाल दिया वो, अच्छा बंदूक लगी जैसे
अरे बंदूक बंदूक नहीं था ये तो नाइफ उसके हाथ हाथ बने खून के हाथ बने जैसे कि वो तो कर देना जंप ये और इसकी हाइट ये और ये इसकी हाइट मैच होती है कुनाली जैसी तुम्हारी और जिम्मी की होती है ना। हाँ और ये आपके दो हाथ उतरने वाले तुम्हें क्या लगता है इसके शो में तुम दिन भर देखते रहते हो क्या अच्छा लगता है इनमें से पीयूष चलो अच्छा तुम्हारा नाम भी पीयूष इसलिए लगता है अच्छा बदमाशी ज्यादा इसलिए तुम्हारे जैसी तुम्हारे से बदमाशी ज्यादा ना कभी वो वाला स्विमिंग ड्रेस आती है ना ऐसे वो पता है क्या करता है कपड़े तरह स्विमिंग ड्रेस पहन के नहीं जाता सीधा ऐसे ही कूद गया कपड़े उतार कूद गया बस कन्वर्स स्कूल ड्रेस से आते सर ना। हाँ वो वाला मैंने भी देखा था स्कूल ड्रेस से आते साथ नहीं वो एक भैया के यहाँ पे कहता था अच्छा वो वाला हाँ जी लेकिन एकदम से बड़ा हो गया ना कुनाली अभी छोटा सा रखता है दो तीन महीने के पहले देखते थे अब एकदम से बहुत बड़ा लग रहा है ना क्या करा ये काटा दी मोजा बना दे घर में गया और जाके कपड़े उतारे स्विमिंग पूल पे जम स्विमिंग कुछ भी नहीं पहन स्विमिंग ड्रेस ना स्विमिंग पूल में पहनी जाती है। हाँ स्विमिंग पूल में जंप मार वो भी ऐसे ही कपड़े उतारे स्विमिंग पूल पे जंप तो गाइस हम खेलेंगे क्रिकेट यहां पर क्रिकेट खेल रहा है देखो ना ओ गाइस क्यों मार रहा है उसके मुंह पे लगेगी सुनाली अपने मुंह पे जा दो दूसरे की छत पे गए ना कोबरा टूट जाएगा कैसे अपन लोग जब खेलते हैं ना जब बैडमिंटन खेलते हैं बैडमिंटन में कवर भी ऐसे जाते हैं दूसरे लोग खेल जाते हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से जुगाड़ मारा है लेकिन अब नहीं जा सकते गाइस हमारे घर में पूरा जुगाड़ कुत्ते आ गए दो दो कुत्ते आ गए ना दो दो फिर चली गई अरे मैं तो कुत्तों के मुंह से छुड़ा के लाई हूं बेचारा कुनाली बॉल पकड़ ली ना कैच कैच लिया भाई शानदार कैच बहुत बढ़िया लोकनाली आप खेलो अब कुनाली लगा रहा है अगर यार अपु वो गलती से ऐसे पकड़ नहीं पाता मुंह पे ऐसे उसकी हाइट यार उसकी कुनाली की हाइट यार बेड बराबर है हां बेचारा छोटा है ना उसको उसका छोटा बैंड वाओ कौन खेल रहा है सौरभ खेल रहा तो भी गाइस आ चुके हैं स्टूडियो में बहुत दिनों के बाद पीयूष यहाँ पे बना रहे हैं अपनी गेमिंग वीडियो चल रहा है और गाइस यहाँ पे भी हमने एक चारपाई लगा रखी है तो इसमें कोई भी सो जाता है कभी साहिल कभी बाबू कभी कोई भी सो जाता है कभी कभी कुनाली कभी पीयूष तो हमने स्टूडियो को भी सोने के लिए यूज कर लिया क्योंकि घर में सिर्फ तीन ही कमरे हैं और लोग हम नौ लोग हैं तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है कोई कहीं पे सोए कोई कहीं पे सो के और गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हरी सब्जी जो कि हम बनाते हैं आप देखते होंगे वीडियो में ये मेथी ये पालक ये सरसों ये प्याज देखो साथ पूरी हरी सब्जी है तो हम यही बनाते हैं पूरे हफ्ते यही बनेगा अच्छा है सब पूरी है ठंड है ना देखो बाकी फ्रिज में ठोक के पेपर लगा ऐसे अपन लोग लगा के ऐसे यहां बैठ के चाय पी रहे हैं देखो कनाल के कुछ बिना वो लोग क्या कर रहे हैं तो अभी अंधेरा हो चुका है और ठंड बढ़ चुकी है तो शाम को ना तीन तीन हजार के कपड़े पहना देते हैं शायद आग बुझल रही है मैं तो बीमार हूं देखो आग लगा ऐसे अपन लोग कर रहे हैं लेकिन वो लकड़ी में अपन कोयले में थे सबके यहाँ एक से ही होता है यार देखो सब उपयोग कर रहे हैं और आग जलाए अपन लोग कोयला जला देते हैं कोयले को ठीक कर दे चिमटे से ये भी देखो कुनाली ये मुन्नू जैसे घर का दगा कर रहा है मुन्नू जैसे कर रहा है तो गाइस मैं बैठा हूं यहां पे दादी के साथ कर रहा है सभी आ चुके हैं नहीं सब बात वहां रही है बस मजा आ रहा है दादी के साथ में पप्पे लड़ा रहे हैं बस पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं हम लोग मिस नहीं कर रहे ना
अम्मा भी शायद आने ही वाली है, बस अभी वहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं, बुआ के पास है ना। तो गाइस आग तो बुझ चुकी है यहाँ पे, कोयले में लकड़ी नहीं जला रहा था, ये भी कोयला था लेकिन लकड़ी के कलर। तो सारी हरी सब्जी काट दी है, पता नहीं कौन कौन सी है लेकिन लग मस्त रही है, तो कल से यही बनेगी। तो अब अंदर यहाँ बैठ के हाथ से पीना मस्त। और गाइस हमने एक और चारपाई लगा रखी है यहाँ पर, अगर ज्यादा ठंडी लगे तो ऐसे कंगर हाथ में उठा के ऐसे ऐसे खेलो गरम। तो डिनर रेडी हो चुका है, तो डिनर करते हैं, दाल रोटी, अभी तो सिंपल ही खाना खाना है मुझे, दो दिन और तो मेरा खाना तो फिनिश, बाकी सब खा रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल आ चुका हूँ रूम में, और देखो ये मेरे गिफ्ट सब भूल गया था, ये मेरे गाड़ी में ही पड़े थे, मैं गाड़ी से निकाल के लाऊँ, ये हॉबी गए थे ना, तो ये चारों भाइयों के लिए चार, लेकिन मैं ले आया चारों में, मैं छुपा के रखूँगा इनको चारों। चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हो। मजा आया आज रूम से बाहर जाके सबके साथ में मिल के बैठ के फैमिली के साथ में बातें करके, बहुत अच्छा लगा। तो भी गाइस एडिट भी हो गया, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए अच्छे प्रे करने के लिए, मैं फाइनली ठीक हो रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस देखिए ये है गरम चिमटा, और अगर ये किसी के भी मुंह पे लगेगा तो वो लाल हो जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी आपको लाल दिख रहा होगा। थैंक यू बताई कुनाली ने। तो यार गाइस वीडियो देखने काफ़ी अच्छा लगा, देख के काफ़ी सिंपल बनाते हैं, घर के बारे में बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, है ना। तुम्हें कैसे लगा परी? बहुत अच्छा। तो तुम्हें अच्छा है? बहुत, है ना। तो गाइस वीडियो का ही एंड करते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।